दिल्ली के बस मार्शलों की नौकरी बहाल कराने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी उपराज्यपाल से मिलने पहुंची और ख़ास बात यह है कि वो अपनी गाड़ी से नहीं गईं बल्कि नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में गईं। साथ में 5 बीजेपी विधायक भी थे। साथ में चल रही दूसरी गाड़ी में इसकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज। गंभीर दिल्ली के बस आगे पीछे बहाली से उनसे आगे है, उनसे आगे बस मार्शल के साथ सभी, थोड़ा सा मैं कर दूं, सभी साथी नमस्ते सबको। हमारे दिल्ली के संजीव झा, जर्नेल भाई, दिलीप भाई और प्रवीण भाई और कुलदीप भाई कोंडली से, आदिल भाई और हमारे बहुत जी खुद उनकी गाड़ी में बैठ गई और मामला बहुत ही गंभीर। दिल्ली के बस आगे पीछे इतनी बहाली से उनसे आगे निकल है, उनसे आगे बता भी बस मार्शल के साथ सभी, थोड़ा सा मैं कर दूं, सभी साथी नमस्ते सबको। हमारे दिल्ली के संजीव झा, जर्नेल भाई, दिलीप भाई और प्रवीण भाई और कुलदीप भाई कोंडली से, आदिल भाई और हमारे बहुत। तो ये वीडियो आपने यहाँ पर देखा जो सौरभ भारद्वाज की तरफ से यहाँ पर बनाया गया। दरअसल दिल्ली में बस मार्शलों के मुद्दे को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को घेर रहे थे और इसमें जो आतिशी हैं वो उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहुँची और जो विजेंद्र गुप्ता हैं उन्हीं की गाड़ी में वो बैठ गई, उनके साथ वो गई, जिसकी ये रिपोर्टिंग करते हुए सौरभ भारद्वाज के द्वारा बनाया गया वीडियो आपने यहाँ पर देखा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये काम चुनी हुई सरकार ने रोका हुआ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल एक्सपोज हो गया। इसलिए एक्सपोज हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, हमारी पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई थी और हमने स्पष्ट कर दिया कि जो डिसीजन हमें लेने की जरूरत है वो हम ले लेंगे, जो डिसीजन एलजी साहब से करवाना है वो भारतीय जनता पार्टी करवाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब से कुछ भी करवाने को तैयार नहीं है।